प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की। क्योंकि दोस्तों, कुछ ना समझ लोग आज इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में इतनी निकाह क्यों किए। इसलिए दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। दोस्त, अपनी ज़िंदगी में इतने निकाह क्यों किए हैं? ऐसे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जितने भी निकाह किए हैं वो तमाम निकाह अल्लाह के हुक्म से ही किए हैं। दोस्तों, पहले अरबों में एक से ज़्यादा निकाह करने का रिवाज था। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 40 मर्दों की ताकत अता की थी। 40 मर्दों की ताकत रखने के बावजूद भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जवानी उस बेवा औरत के साथ गुजार दी, यानी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो पहले 2 शादियां कर चुकी थी और उनसे बच्चे भी थे। लेकिन जब उनके शौहर की वफात हो गई तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली। फिर उसके 3-4 साल के बाद दूसरी बेवा औरत हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शादी की। इस तरह 55 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक से पहले निकाह, 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ किया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उम्र मुबारक निकाह के वक्त 40 साल की थी, यानी हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी थी। दोस्तों, हजरत खदीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से पहले 2 शादियां कर चुकी थी और उनके जो पहले के शौहर थे उनसे उन्हें औलाद भी हुई थी। जब रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक 50 साल की हुई तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया और इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जवानी यानी 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक एक बेवा औरत हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ गुजार दी, यानी के 50 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चंद निकाह किए। ये निकाह किसी शहवत को पूरा करने के लिए नहीं, यानी के ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं, क्योंकि अगर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह के नबी निकाह करते तो आप कंवारी लड़कियों से शादी करते। मगर आपने जितने भी निकाह किए हैं उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब बेवा औरतें थीं और उनसे ही निकाह किया। दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में ये 11 निकाह किए। नंबर 1, हजरत खदीजा। दोस्तों, हजरत खदीजा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और बरकत को देखकर उन्होंने खुद ही इस शादी के लिए पैगाम भेजा था। निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की हुई तब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। नंबर 2, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, यह अपने शौहर सकरान बिन अम्र के साथ मुसलमान हुई थी। उनकी माँ भी मुसलमान हो गई थी। माँ और शौहर के साथ हिजरत करके हबशा चली गई थी। वहाँ उनके शौहर का इंतकाल हो गया। जब उनका दुनियावी सहारा ना रहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद यानी नबुवत के 10वें साल के साथ निकाह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक
50 साल की थी और हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हाल्लाह वाली वसल्लम के साथ मक्का में ही हो गया था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी मदीना में 2 हिजरी को आई, यानी के 3-4 साल के बाद हजरत आयशा की रुखसती हुई। उस वक्त नबी करीम की उम्र मुबारक 55 साल की थी। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा ही कुंवारी थी और बाकी सब बेवा और मुतल्लका थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में ही आपकी वफात हुई और उसी में आप मदफून हैं। नंबर 4, हजरत हफ्सा। दोस्तों, हजरत हफ्सा दूसरे खलीफा हजरत उमर की बेटी है। उन्होंने अपने पहले शौहर के साथ हबशा और मदीना की तरफ हिजरत की थी और उनके शौहर जंगे उहद में जख्मी हो गए थे और जख्मी हालत में ही इंतकाल फरमा गए। इस तरह से हजरत हफ्सा बेवा हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया। नंबर 5, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। दोस्तों, उनका पहला निकाह तुफैल बिन हारिस से हुई, फिर उबैदा बिन हारिस के साथ हुआ। ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचेरे भाई थे। तीसरा निकाह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब के तीसरे शौहर के इंतकाल के बाद यानी उनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 56 साल की थी और हजरत ज़ैनब निकाह के सिर्फ 3 महीने तक ही जिंदा रही। नंबर 6, उम्मे सलमा। दोस्त और मदीना की तरफ हिजरत की थी। उनके शौहर हजरत अबू सलमा जंगे उहद के जख्मों से वफात पा गए थे। 4 बच्चे यतीम छोड़े। जब कोई जाहिरी दुनियावी सहारा ना रहा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबस बच्चों की हालत पर रहम खाकर उनसे 3 हिजरी में निकाह कर लिया था। नंबर 7, हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोस्तों, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह मुँह बोले बेटे हजरत ज़ैद से करवा दिया था, लेकिन शौहर की हजरत ज़ैनब के साथ नहीं बनी और बीवी को उन्होंने छोड़ दिया यानी तलाक दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को बहुत समझाया मगर दोनों का समझौता नहीं हो सका और हजरत ज़ैनब की इस मुसीबत को देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। नंबर 8, जवीरिया। दोस्तों, ये जंग में पन थे। हजरत साबित बिन कैस ने हजरत जवीरिया से उन्हें आज़ाद करने के लिए कुछ रकम मांगे तो हजरत जवीरिया बहुत गरीब थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और जाहिर किया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। इस मुसीबत को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सारी रकम अदा करके उसको आज़ाद कर दिया और फिर फरमाया कि बेहतर है कि आप मुझसे निकाह कर लो। इस तरह से आपका निकाह उनसे 5 हिजरी में हो गया। नंबर 9, हजरत सफ़िया। दोस्तों, उनका ताल्लुक यहूदियों का कबीला बनू नज़ीर से है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। उनके बाप भाई और शौहर को जंग में कत्ल कर दिया गया था और यह कैद होकर आई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये इख्तियार दिया था कि चाहे तो वह इस्लाम ले आए या अपने मजहब पर बाकी रहे, लेकिन अगर वह इस्लाम लाती है तो मैं उनसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, वरना उनको आज़ाद कर दिया जाएगा ताकि वह अपने ख़ानदान के साथ जाकर रह सके। हजरत सफ़िया अपने ख़ानदान के लोगों में वापस जाने के बजाय इस्लाम कबूल करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के लिए तैयार हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया और फिर 7 हिजरी में उनके साथ निकाह कर लिया। नंबर 10, हजरत उम्मे हबीबा। दोस्तों, हजरत सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। जिन दिनों उनके वालिद के साथ लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त
ये मुसलमान हो गई थी। इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई, फिर शौहर को लेकर हबशा की तरफ हिजरत कर गई, मगर वहाँ पर जाकर उनके शौहर का इंतकाल हो गया। इसी सच्ची और ईमान में पक्की औरत के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत थी। इस्लाम के वास्ते बाप भाई और पूरे खानदान को और अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था। परदेश में शौहर अकेला सहारा था। शौहर की बेदीनी से वो भी जाता रहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सब्र करने वाली औरत के साथ हबशा ही में 7 हिजरी में उनके साथ निकाह कर लिया। नंबर 11, हजरत मैमूना बिनते हारिस, उनका नाम बरा था। निकाह के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम मैमूना रख दिया था और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 7 हिजरी में निकाह किया था। तो दोस्तों, इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी ने 11 शादियां की और ये शादियां किसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि ये अल्लाह की मर्जी से हुआ था। क्योंकि अगर ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए होता तो जवानी में शादी करते, बुढ़ापे की उम्र में नहीं। दोस्तों, यही बात आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।